नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द, हाईकोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने ली शपथ, लगातार तीसरे साल जमकर बरसेंगे बादल। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द। केंद्र सरकार ने इस वर्ष सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा कर दी है। आज हुई एक अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया। पिछले कुछ दिनों से छात्रों में परीक्षा के होने या न होने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते वर्तमान हालात में छात्रों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। 12वीं कक्षा परिणाम तय समय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा। इससे पूर्व 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद सीबीएसई ने महामारी फैलने के कारण 10वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने और 12वीं बोर्ड परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की थी। आज हुई बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर आदि शामिल थे। तो वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने ली शपथ। नागपुर में आयोजित समारोह बना यादगार। नागपुर में आज बम्बई उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश, न्यायाधीश अविनाश घरोटे, न्यायाधीश अनिल किरोल, न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह विष्ट, न्यायाधीश मुकुलिका जवलकर व न्यायाधीश नितिन बोरकर की शपथ विधि विदर्भ के लिए एक यादगार व ऐतिहासिक क्षण साबित हुई। मंगलवार को हुई शपथ विधि समारोह का ऑनलाइन प्रसारण किया गया, जिससे कई नागरिक इस समारोह को देख पाए। नियुक्ति के बाद से किए गए बेहतर कार्यों से इन 5 समेत कुल 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को सेवा में स्थायी किया गया है। इस संबंध में 27 मई को अधिसूचना जारी की गई थी। तो वही तीसरे और लगातार तीसरे साल जमकर बरसेंगे बादल। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत के लिए मानसून राहत भरा साबित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार के मुताबिक इस साल भी मानसून सामान्य रहेगा। यह लगातार तीसरा साल है जब मानसून सामान्य रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर और दक्षिण भारत में सामान्य, मध्य भारत में सामान्य से अधिक और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम रहने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 के लिए अपना दूसरा दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी करते हुए आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि देश में जून में मानसून सामान्य रहने का पूर्वानुमान है, जो बुआई का भी मौसम होता है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर इस साल पूरे देश में मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।